जय गिनेन, भारत गौरव शांतिदूत, जैन समाज के सर्वोपरि गुरुओं में से एक आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज साहब के 50वें अवतरण दिवस जन्म दिवस पर मेरी कोटिश कोटिश शुभकामनाएं नागपुर के समस्त जैन समाज की ओर से, अमर स्वरूप परिवार की ओर से, अखिल भारतीय पुलक मंच परिवार के नागपुर चैप्टर की ओर से और मेरी ओर से मैं आचार्य श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज साहब तीर्थंकर महावीर स्वामी भगवान के ऐसे आज्ञानुवर्ती शिष्य है जो तप साधना में रत रहते हुए भी जन साधारण में पनप रहे आलाप विलाप और संताप को अपनी ज्ञान गंगा की शीतल धाराओं से जड़मूल से नष्ट कर उन्हें उपकृत कर रहे हैं। आचार्य श्री के जीवनोपयोगी प्रवचनों के माध्यम से आप जन जन का इहलोक और परलोक साधने में असामान्य सहयोग करते हुए उनके हृदय सम्राट बन बैठे हैं। आचार्य श्री का सत्कार, उनकी प्रेरणा और उनके गुरुपद की साधना का प्रशंसा न केवल भारत में परंतु विश्व में भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भी किया है। उनकी प्रेरणा से पुलक मंच के साथ मिलकर अमर स्वरूप परिवार इस विपत्ति के समय में नागपुर में लाखों लोगों को भोजन प्रदान करने में, राशन प्रदान करने में और जन सामान्य की सेवा में लगा हुआ है। इस अवसर पर मैं आचार्य श्री को आप हमेशा स्वस्थ में रहे और आने वाले अनेक वर्षों तक मानवता की और मानव समाज को, जैन समाज को आप और अधिक चमकदार बनावे ऐसे शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपसे विनंती करता हूं कि भारत की हृदय स्थली नागपुर में जल्द से जल्द चातुर्मास के लिए पधार कर संपूर्ण विश्व के अंदर में जो जैनत्व को फिर से गौरवान्वित करने का कार्य आप कर रहे हैं उस कार्य में आप आगे बढ़े और आपकी प्रेरणा और आपका आशीर्वाद हमें हमेशा मिलता रहे ऐसी शुभकामनाएं। जय जिने। भारत गौरव शांति दूत राष्ट्र संत विश्व संत वात्सल्य मूर्ति आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन। मैं राकेश मेहता, अध्यक्ष भारत जैन महामंडल, पूरे जैन समाज की एक अग्रणी संस्था, आज मैं आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए भगवान से उनके 50वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनके दीर्घायु की कामना करता हूँ। जबकि आज पूरे विश्व में असमंजस का मामला फैला हुआ है, कोरोना वायरस फैला हुआ है, ऐसे में ऐसे संतों की भूमिका अपने आप में एक महत्वपूर्ण हो जाती है। आप श्री का जो पुलक वाणी एक संदेश निकलता है, मेरे ख्याल से हर एक व्यक्ति, हर एक युवा अगर उस वाणी को सुनकर अपने जीवन में उतार ले तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। आज इस देश में जहाँ चारों तरफ हिंसा का वातावरण बना हुआ है, ऐसे में आचार्य श्री जैसे महापुरुषों की वाणी से कैसे व्यक्ति को अहिंसा के मार्ग पर चलना चाहिए उसका ज्ञान दिया जा सकता है और मिल सकता है। मैं पुनः भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आचार्य श्री की आयु लंबी हो, हम सभी श्रावकों पे आशीर्वाद बना रहे। प्रातस्मरणीय परम पूज्य राष्ट्र गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज साहब के चरणों में सत्सत नमन, सत्सत नमन, सत्सत नमन। कल दिनांक 11 मई आचार्य श्री का 50वें जन्म जयंती महोत्सव सारे राष्ट्र में मना रहे हैं। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि अब जिस तरह से पारस चैनल और जिनवाणी चैनल के माध्यम से विश्व भर में जैन धर्म की ध्वजा फहरा रहे हैं, तथा आगे भी इसी तरह से आप जैन धर्म की ध्वजा फहराते रहे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि आपकी आयु सतायु हो, सतायु हो, सतायु हो,
नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। श्रीपाल धर्मावत उदयपुर राजस्थान, संरक्षक श्री दिगंबर जैन महासभा राष्ट्रीय। विख्यात श्री दिगंबर जैन आचार्य 108 श्री पुलक सागर जी महाराज श्री के 50वें अवतरण दिवस 11 मई 2020 के उपलक्ष में श्री दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा समाज उदयपुर की ओर से महाराज श्री के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन, नमोस्तु 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 गुरुवर। इस पंचम काल में दिगंबरचर्या के साक्षात दर्शन हम सभी पुण्य आत्माओं का सौभाग्य हैं जो प्राप्त हो रहे हैं। गुरुदेव श्री के प्रवचन समसामयिक व श्रेष्ठ जीवन जीने की कला सिखाते हुए धर्मानुकूल मार्ग प्रशस्त करते हैं। गुरुदेव शतायु हो, हमें भी मोक्ष मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते रहे। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ संपूर्ण समाज की ओर से श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु 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 गुरुदेव। सुमति प्रकाश वाला अध्यक्ष दिगंबर जैन दशा नरसिंहपुरा समाज उदयपुर। मैं आकाश राजपुरे नगर सेवक 221, मैं चाहता हूं कि जैन समाज के बारे में भी दो शब्द कहूं और पुलक सागर जी महाराज को भी 50वें जन्म पर मैं उनसे आशीर्वाद लेना चाहूँगा। और दो शब्द जैन समाज के बारे में कहूँगा कि इस कोविड के समय में जो जैन समाज हमको सिखाया है, एक तो समापना का उद्यान जो हमको सिखाया है, पूरे देश को इतने सदियों से संस्कृति चली आ रही है, उस संस्कृति को आज पूरा देश ही नहीं पूरा विदेश भी जान चुका है कि नमस्ते करना ही इस देश और पूरे विदेश की भलाई। दूसरी, जब हम ये रुमाल डाल के भगवान को पूजते हैं, ये पूजने का जो संस्कृति है, ये भी कई सालों से विद्वानों ने हमको सिखाई, पर इस समझने में देरी जब हुई जब ये कोविड जैसी परिस्थिति पैदा हुई, और कोविड परिस्थिति पैदा में जैन समाज सबसे आगे निकला है, इसमें हम मास्क लगा के लोगों की सेवा में उतरे। और तीसरी बात, पुलक सागर जी महाराज जी को 50वीं इस वर्षगांठ पर हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। मैं जन्म लेकर पुलक सागर जी का भक्त बना, उसके लिए मुझे बहुत गौरवशाली महसूस करता हूँ और 50वें साल पर आपको शुभकामना देता हूँ। जय जिनेन्द्र, जय भारत। सादर जय जिनेन्द्र। अप्रतिम वक्तित्व के धनी भारत गौरव आचार्य प्रवर श्री पुलक सागर जी महामुनिराज के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भारत गौरव आचार्य प्रवर श्री पुलक सागर जी के प्रवचनों का श्रवण कर जितना जितना आपके जीवन चरित्र को हृदयंगम करने की चेष्टा करती रही, उतना उतना आपके प्रवचनों से प्राप्त ज्ञानालोक मेरे भीतर के अज्ञान तिमिर को हरता गया। आपकी सुमधुर सुभाषित अप्रतिम वक्तृत्व कला मानव मात्र को प्रमाद निद्रा से उठाकर चैतन्य जागृत अवस्था में ले आती है। जिस प्रकार केतकी, होला, मोगरा आदि सुवासित पुष्प मुकुलित होकर अपनी सुरभि चतुर्दिक विकीर्ण करते हैं और अपने साथ ही दूसरों के जीवन को भी सौरभमय बना देते हैं, ठीक उसी प्रकार गुरुवर आचार्य प्रवर आत्म साधना के पथ पर अनवरत आगे बढ़ते रहते हैं और हम जैसे शावकों के जीवन को सुरभित कर रहे हैं। परंपरा और आधुनिकता के झूले में झूलते हुआ हमारा अस्थिर मन को, तजन्य संघर्ष से उत्पन्न रिश्तों की कड़वाहट को आपकी सुमधुर अकाट्य शैली से निष्पन्न अचूक गुरु मंत्र अनायासी सुलझा देते हैं। मानवीय विसंगतियों की उलझन सुलझाने के लिए आपके बताए अद्वितीय विलक्षण सूत्रों को पकड़कर हम इस भंवर जाल से बाहर निकलने का मार्ग पाते हैं। हम जैसों की पीड़ा के तारणहार वात्सल्य मूर्ति शारदा सत आचार्य प्रवर शिव पुलक सागर जी शतायु हूँ, हम सब श्रीमद जिनेन्द्र देव देवारी देव से यही भावना भाते हैं। वाणी में जिनके अमृत वर्षण होता, प्रवचनों में मोक्ष मार्ग है मिलता, आचार्य पुलक सागर जी हैं
ज्ञान प्रदाता, हमारे लिए उन्हें शतायु करें विधाता, उन्हें शतायु करें विधाता, उन्हें शतायु करें विधाता। सादर जय चिनी। जय जीवन बंधुओं, आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज के 50वें जन्म जयंती महोत्सव पर आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं रवि जैन गुरुजी, जैन ज्योतिष आचार्य एवं हस्तरेखा विशेषज्ञ। बंधुओं, किसी ने सही कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद यो बताए। निश्चित रूप से ये लाइन अपनी सार्थकता सिद्ध करती है, क्योंकि गुरु ही हमें भगवान का रास्ता बताते हैं और ऐसे ही हमारे राष्ट्र संत मुनि श्री 108 पुलक सागर जी महाराज, जो जैन ही नहीं अपितु अजैनों में भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने जैन समाज में होते हैं। बंधुओं, आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज भारत ही नहीं अपितु विश्व के संत हैं। विश्व के कोने कोने में उन्हें जाना जाता है। उनके 50वें अवतरण दिवस पर एक बार पुनः गुरुदेव के चरणों में सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु, सादर नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। भारत गौरव राष्ट्र संत शांति दूत आचार्य प्रवर पुलक सागर जी के 50वें जन्म दिवस पर हमारी मंगल कामनाएं हैं। वर्ष 2009 से हम गुरुदेव के शुभाशीष हमें प्राप्त हो रही है। हमें गुरुदेव के प्रवचनों को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। गुरुदेव की मधुर वाणी से प्रवाहित एक एक शब्द जीवन उपयोगी है, प्रभावी है और उपयोगी भी है। गुरुदेव के प्रवचनों के सुनने के लिए तो कर्णप्रिय हैं ही, समझने वालों के लिए महावीर की देशनाओं की अनुगूंज है, तो आचरण में उतारने वालों के लिए जीवन मार्ग को सफलतम बनाने के लिए है। आनंद पूर्वक मुद्रा में कहे गए एक एक शब्द गहन गंभीरता और जीवन दर्शन की प्रधानता से युक्त है। हम कुवैत में रहते हुए भी जनवाणी चैनल पर आपके प्रवचन सुनते हैं और पारस चैनल को सदैव देखते हैं। सदैव आपके साक्षात दर्शन होते हैं गुरुदेव। हम सब सपरिवार आपके स्वास्थ्य पूर्वक जीवन की मंगल कामनाएं करते हैं एवं आपके श्री चरणों में पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी के चरणों में मेरा नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव। मैं अपने व्यवसाय के कारण कुवैत में सपरिवार रहता हूँ। मैं प्रतिदिन आचार्य श्री पुलक सागर जी की तस्वीर को दोनों हाथ जोड़कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपने कार्य के लिए प्रस्थान करता हूँ। मैं अपने परिवार सहित गुरुदेव के 50वें जन्म दिवस पर स्वयं गुरुदेव के स्थान दर्शन करने का विचार कर रहा था, परंतु कोरोना के कारण यह असंभव है। हमारा परिवार गुरुदेव के 50वें अवतरण दिवस पर अपने हृदय से शुभकामनाएं गुरु चरणों में समर्पित करते हैं और भावना बांटते हैं कि भगवान आपको लंबी उम्र प्रदान करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को धार्मिक लाभ प्राप्त हो सके। जय जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। भारत गौरव आचार्य श्री मुनिस आचार्य श्री पुलक सागर जी के चरणों में नमन नमोस्तु। नमोस्तु। विदेश में कार्यरत होने के कारण दिगंबर साधुओं के दर्शन हमारे लिए दुर्लभ रहते हैं, परंतु हमारा सौभाग्य है कि वात्सल्य मूर्ति श्री पुलक सागर जी का वर्ष 2007 में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रथम बार दर्शन करने के बाद ऐसा लगने लगा कि गुरुदेव के दर्शन हमें बार बार प्राप्त होते रहे। गुरुदेव के प्रवचनों में लोक जीवन एवं आध्यात्म जीवन दोनों का सुगम संगम दिखाई पड़ता है। मेरे पुत्र आगम का नामकरण भी गुरुदेव के आशीर्वाद से हुआ एवं उसके प्रथम जन्मदिवस के संयोजन पर भी गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, जो कि बांसवाड़ा में संपन्न हुआ था। संयोगवश आज गुरुदेव की 50वीं जन्म जयंती भी बांसवाड़ा में मनाई जा रही है।
जापान से स्वदेश छुट्टियों में आने के कार्यक्रम की सूची में हमेशा गुरुदेव के दर्शन लाभ का समय तय रहता है। हम आज इस शुभ अवसर पर आपके निरोगी रत्नत्रय की मंगल कामना करते हैं और आशावान है कि आपके मंगल आशीष हमें सदैव मिलते रहेंगे। जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। जयकारा गुरुदेव का। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु गुरुदेव। वर्तमान के घोर कलयुग में भी युग परिवर्तन की क्षमता रखने वाले ओजस्वी वक्ता एवं चारित्र की अनुपम निधि वाले महान संत श्री 108 पुलक सागर जी महाराज के अवतरण दिवस 11 मई 2020 पर संपूर्ण दशा नरसिंहपुरा मेवाड़ वागड़ महासभा की ओर से कोटि कोटि वंदन एवं हार्दिक शुभकामनाएं। लक्ष्मीलाल बोहरा, महामंत्री मेवाड़ वागड़ महासभा। राष्ट्र संत कवि हृदय आचार्य गुरुवर 108 पुलक सागर जी महाराज के चरणों में मेरा शशद नमन शशद नमन शशद नमन कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा, देखा है पुलक सागर को। मैंने ईश्वर को नहीं देखा, देखा है पुलक सागर को। ज्ञान सिंधु जिसके समा गया, मैंने देखा है उस गागर को। सूरज जिसके चरणों में आकर के शीश झुकाता है, प्रकृति का हर रोम रोम जिनके गीत सुनाता है। मुझ महल का वासी वो इस धरती पर निर्यापक है। मेरी श्रद्धा मेरे ईश्वर का नाम है पुलक सागर है, पुलक सागर है। आज अध्यात्म सरोवर के राजहंस आचार्य पुलक सागर जी का 50वां स्वर्णिम जन्म महोत्सव है, जिसे पूरा देश अति हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। मैं भी अपनी भावना रखती हूँ। मैं ईश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, जिसने माँ गोपीबाई पिता भीकम चंद जी की बगिया में जिस पारस को जन्म दिया, वही पारस आज पारस मणि के रूप में जगमगा रहा है। ये वो राष्ट्र संत है, ये वो हीरा है, जिसे संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी ने तराशा है। ये वही पारस है जिसे आचार्य गुरुवर पुष्पचंद सागर जी ने संवारा है। 50वीं स्वर्णिम जन्म जयंती पर इतना ही कहती हूँ, ना पढ़ी है गीता मैंने, ना वेदों का मुझे ज्ञान है। ना पढ़ी है गीता मैंने, ना वेदों का मुझे ज्ञान है। जब से जाना है आपको, आप ही मेरे भगवान है, आप ही मेरे भगवान है। उगता हुआ सूरज दुआ दे आपको, खिलता हुआ फूल खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं है गुरुवर, देने वाला ईश्वर हर खुशी दे आपको, हर खुशी दे आपको, हर खुशी दे आपको। मेरी आस्था और समर्पण के केंद्र मेरे गुरुवर पुलक सागर जी, शश्वत नमन शश्वत नमन। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। जय जिनेन्द्र। मैं उमेश जैन भिंड, भारत गौरव राष्ट्र संत गुरुदेव आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री पुलक सागर जी महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, 11 मई को पूज्य गुरुदेव का 50वां अवतरण दिवस आने वाला है। लॉकडाउन के कारण हम सब घर में बैठकर 11 मई को अपने अपने श्रद्धा सुमन समर्पित करेंगे। ऐसे गुरुदेव जिन्होंने दिया ही दिया है, आज तक लिया कुछ नहीं है, जिन्होंने चाहे उनके प्रवचन की बात हो, प्रवचन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बैठकर आकर उनके प्रवचनों का आनंद लेते हैं, ऐसे गुरुवर जिन्हें जहां पहुंच जाए लोग उनकी चरण रज को माथे से लगाकर अपने आप को धन्य करते हैं। भाइयों, आज हम सबको ये अवसर मिला है, हम सबको ये मौका मिला है कि उनका 50वां अवतरण दिवस हम सब मिलकर बड़े धूमधाम से मनाएं। धूमधाम से मतलब कि हम अपने घरों में बैठकर उनकी आराधना करें, बस यही भावना भाए कि हमारे गुरुदेव चिरायु हो और गुरुदेव ऐसी और ऊंचाइयां छुए, ऐसी बैठकर हम घर में हम और आप मिलकर भावना भाएंगे। जय जिनेन्द्र। हमारा
गुरुदेव पुलक सागर जी को उनके 50वें जन्मदिन पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मेरे और मेरे परिवार की तरफ से। हैप्पी बर्थडे मार्टी फॉर योर 50th बर्थडे फ्रॉम माई एंड माई फैमिली। जी, माय नेम इज आगम जैन एंड आई एम ग्रेटफुल टू आचार्य पुलक सागर जी एज माय नेम वाज गिवन बाय हिम। इट इज अ डिवाइन गिफ्ट फॉर मी। आचार्य पुलक सागर जी हैज ब्लेस्ड ह्यूमैनिटी बाय टीचिंग द लेसन ऑफ नॉन वायलेंस एंड पीस। आई हैव एंजॉयड द दर्शन ऑफ गुरुजी विद माय फैमिली व्हेनेवर आई ट्रैवल फ्रॉम जापान टू इंडिया। ऑन दिस ऑस्पिशियस डे ऑफ गुरुजी'स 50th बर्थडे आई विश हिम अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। जय जिनेन्द्र। मैं यशवी जैन पुत्री श्री रितेश लोहड़िया जयपुर। जय जिनेन्द्र। मैं अनन्या जैन पुत्री श्री रितेश लोहड़िया जयपुर। मैं अनन्या आपकी लंका। आज मैं आपके आशीर्वाद से इतनी बड़ी और इतनी विद्वान बनी हूँ। महाराज जी, हम आपके 50वें अवतरण दिवस पे आपको नमोस्तु करते हैं। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु का महत्व हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व है। जैसे जल के बिना मछली नहीं जी सकती, वैसे ही एक शिष्य बिना गुरुदेव के नहीं जी सकता है। हम आशा करते हैं कि आपका आशीर्वाद हमेशा हम पर ऐसे ही बना रहे। आप हमेशा अपना हाथ हमारे और हमारे परिवार के ऊपर रखें और हम हमेशा हर क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएं। आज हम जो भी हैं, जैसे भी हैं, सिर्फ आपकी वजह से हैं और हम यहाँ तक इतने आगे अपने जीवन में सिर्फ आपकी वजह से बढ़ पाए हैं। हम आपको नमोस्तु करते हैं। आज आपके स्वर्णिम जन्म जयंती के अवसर पर मन में बहुत भावना था कि आपके चरणों में हम पहुँचे और वहीं पर आपका चरण वंदन करें, लेकिन कार्य की विपरीत परिस्थिति कहें या हमारा दुर्भाग्य कि हम आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। इस अवसर पर हम ये भावना रखते हैं गुरुदेव कि शीघ्र ही आपके आशीर्वाद से इस मिशन व्याधि से पूरा विश्व मुक्त हो और शीघ्र ही सब शांति की ओर लौटे और पूरा विश्व शांति में रहे, ऐसी हमारी भावना है। आपका दर्शन। पुलक सागर गुरुदेव के स्वर्ण अवतार दिवस पर त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव के ज्ञान के प्रकाश ने मेरे जीवन का अंधकार को मिटा दिया। जब से मुझे गुरुदेव की छाया मिली, जब से मेरे जीवन का सार ही बदल गया। आज ऊपर वाले की इच्छा समझ में आई, आपकी इस धरती पर जरूरत समझ में आई। आपका इस धरती पर आना तो हमारे कल्याण करने का था, आखिर महावीर के बाद आपको तो आना ही था। आचार्य गुरुवर पुलक सागर महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चक्रेज सीमा जैन ग्वालियर। पुलक सागर गुरुदेव के स्वर्ण अवतार दिवस पर त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव के ज्ञान के प्रकाश ने मेरे जीवन का अंधकार को मिटा दिया। जब से मुझे गुरुदेव की छाया मिली, जब से मेरे जीवन का सार ही बदल गया। आज ऊपर वाले की इच्छा समझ में आई, आपकी इस धरती पर जरूरत समझ में आई। आपका इस धरती पर आना तो हमारे कल्याण करने का था, आखिर महावीर के बाद आपको तो आना ही था। आचार्य गुरुवर पुलक सागर महाराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चक्रेज सीमा। जय जिनेन्द्र। मैं दीपक जैन, अध्यक्ष पुलक जन चेतना मंच शाखा दिल्ली। मेरी आस्था के केंद्र राष्ट्र संत आचार्य श्री 108 पुलक सागर जी महाराज के 50वें अवतरण दिवस पर गुरुदेव को
मेरा कोटि कोटि वंदन अभिनंदन और बधाई। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं भी गुरुदेव की आरती का एक छोटा सा दीपक हूँ। गुरुदेव की कृपा मुझ पर और पुलक परिवार के सभी सदस्यों पर इसी प्रकार बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ गुरुदेव को पुनः बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। वंदन। जय श्री। भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के 50वें अवतरण दिवस पर श्री चरणों में दिलीप गुणमाला पाटनी पुलक चेतना मंच परिवार इंदौर की ओर से सत नमन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से संचालित देवशास्त्र गुरु मानव सेवा जीव दया के क्षेत्र में सबसे अग्रणी संस्था पुलक मंच परिवार के अभिन्न अंग है। गुरुदेव, आपकी प्रेरणा से इस मंच परिवार ने देश भर में बहुत ही ख्याति बनाई है और अपने सेवा कार्यों से सबका समाज में बहुत ही उत्कृष्ट नाम कमाया है। आज पुलक मंच परिवार को सिर्फ आपका नहीं, पूज्य सभी पूज्य साधु संतों को बहुत ही विशेष आशीर्वाद है, क्योंकि आज हमको बहुत ही गर्व होता है जब हम बाजार में जाते हैं या मार्केट में जाते हैं, समाज में जाते हैं, तो लोग हमें हमारे नाम से नहीं, हमको पुलक गुरु के भक्तों के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि जो चाह से मिलता उसे चाहत कहते हैं, जो चाह से मिलता उसे चाहत कहते हैं, जो मांगने से मिलता उसे मन्नत कहते हैं, जो बिन चाहे बिन मांगे मिले उसे गुरुदेव आपकी रहमत कहते हैं, गुरुदेव उसकी रहमत कहते हैं। गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव सिर्फ जैनों के नहीं, जन जन के संत हैं। आपकी प्रवचन शैली आपके तक त्याग और संयम से प्रभावित होकर आज समाज में सुख शांति स्थापित हुई है। हजारों परिवारों आज सुख शांति से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जिंदगी का हर घंटा हर पल हर मिनट हर पल विशेष है, खास है, जैसे सितारों के साथ में आकाश है और रिश्तों के साथ में विश्वास है। सच्चे मन से पलके बंद करके देख लो, गुरुदेव पुलक सागर जी सदैव हमारे साथ है, सदैव हमारे साथ है। गुरुदेव के चरणों में सत नमन। जय बोलो आचार्य गुरुदेव पुलक सागर जी महाराज जी की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मे श्री गुरुवे नमः। आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के चरणों में सशक्त नमन। आचार्य श्री का संदेश है, इस महामारी के समय घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। जय बोलो आचार्य गुरुदेव पुलक सागर जी महाराज जी की जय। गुरुदेव के 50वें अवतरण दिवस पर सशक्त नमन। सशक्त नमन। नमस्ते। नमोस्तु गुरुदेव। जिस प्रकार एक दीपक संपूर्ण विश्व में उजाला कर देता है, उसी प्रकार आपका अवतरण हमारे जीवन में प्रकाश लेके आया है। आपके स्वर्णिम अवतरण दिवस पर हम दोनों की तरफ से आपके चरणों में वंदन। नमोस्तु गुरुदेव। सुबह लिखते हैं शाम लिखते हैं हाले दिल तमाम लिखते हैं, सुबह लिखते हैं शाम लिखते हैं हाले दिल तमाम लिखते हैं, हो जाती है दीवानी भी वो कलम जिस कलम पे आचार्य गुरुवर का नाम लिखते हैं। जय जिनेन्द्र। मैं अरिहन जैन आदरणीय चक्र सीमा जैन ग्वालियर का सुपुत्र और आचार्य गुरुवर भारत गौरव राष्ट्र मुनि श्री 108 पुलक सागर गुरुदेव का नन्ना भक्त, जैसा कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सबको पता है कि हमारे गुरुवर का 50वां अवतरण दिवस आ रहा है। इन वर्षों में उनने अपनी पुलकित वाणी से हम सबको प्रफुल्लित। सुबह लिखते हैं शाम लिखते हैं हाले दिल तमाम लिखते हैं, सुबह लिखते हैं शाम लिखते हैं हाले दिल तमाम लिखते हैं, हो जाती है दीवानी भी वो कलम जिस कलम पे आचार्य गुरुवर का नाम लिखते हैं। जय जिनेन्द्र। मैं अरिहन जैन आदरणीय चक्र सीमा जैन ग्वालियर का सुपुत्र और आचार्य गुरुवर भारत गौरव राष्ट्र मुनि श्री 108 पुलक सागर गुरुदेव का नन्ना भक्त, जैसा कि नॉर्थ से लेकर साउथ तक, ईस्ट से लेकर वेस्ट तक सबको पता है कि हमारे गुरुवर का 50वां अवतरण दिवस आ रहा है। इन वर्षों में उनने अपनी पुलकित वाणी से हम सबको प्रफुल्लित किया है। मैंने 2014 से जब उनकी वाणी सुनी और उनसे मिला एवं उनका स्नेह मिला, मेरी तो किस्मत ही बदल गई। मेरे अज्ञान के अंधकार को गुरुवर ने अपने प्रकाश के ज्ञान से मिटा दिया है। जैसे बिना गुरुवर नहीं होता जीवन साकार, जैसे बिना गुरुवर नहीं होता जीवन साकार, सर पर होना चाहिए गुरुवर का हाथ, सर पर होना चाहिए गुरुवर का हाथ, तभी बनता है सफल जीवन का सही आकार, गुरुवर ही तो है जीवन का सफल आधार। परम आराध्य आचार्य श्री गुरुदेव पुलक सागर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन।
गुरुदेव के 50वें अवतरण दिवस पर बहुत बहुत बधाई। जिनका नाम लेने से ही आ जाती है मुझमें ऊर्जा, हो जाते हैं काम सिद्ध। सामर्थ्य ना होते हुए भी निखर कर आ जाता है व्यक्तित्व। ऐसे मम गुरुदेव आचार्य श्री पुलक सागर जी के 50वें अवतरण दिवस पर गुरुदेव को बहुत बहुत बधाई और मेरा सह परिवार गुरुदेव के चरणों में तिवार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव नमस्तु, आपके चरणों में त्रिकाल कोटि कोटि वंदन। आज मेरे गुरु और आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज का 50वां अवतरण दिवस है। इस दिवस में मैं गुरुवर से एक ही बात कहना चाहूँगा कि गुरुवर आपने जो मुझे शिक्षा दी है वो मेरे हमेशा ज़िंदगी में याद रहेगी और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही दिख गए हो। और आपका एक अमिट सपना जो हर किसी की आंखों में दिखता है वो जिन शरणम जल्दी से जल्दी पूरा हो और ऐतिहासिक पंच कल्याण हो, ऐसी मैं भावना पाता हूँ। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरु। आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। आज खुशी का मौका है, आज गुरुदेव के 50वें अवतरण दिवस का दिन है, आज 11 मई। आज के दिन हम हमेशा इतनी खुशियां बांटते हैं और हमेशा गुरुवर के साथ रहते हैं और इस दिन को हम यही कोशिश करते हैं कि हम गुरुवर के पास ही रहें। आज का दिन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है और गुरुवर का आशीर्वाद हमारे सिर पे हमेशा रहे, इसी बात की हम दुआ करते हैं और गुरुवर का आशीर्वाद हमेशा हम पे रहता है। आज हम जहाँ पे भी हैं, जैसे भी हैं और जितने भी खुशियाँ हमने अपनी ज़िंदगी में लिए, उन सब के पीछे गुरुवर का हाथ है। आज मौका मिला है बोलने का, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा पर एक बात बोलना चाहता हूँ। आज जो कुछ भी हूँ गुरुवर के आशीर्वाद से हूँ। आज गुरुवर ने जो भी मुझे कहा है वही मैंने किया है। नमस्ते महाराज जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं महाराज जी। बस पहली बार ऐसा मौका मिला है महाराज जी कि हम आपके साथ नहीं हैं और हम यही दुआ करेंगे ऐसा मौका दोबारा ना मिले हमको। हमें वीडियो नहीं बनानी पड़े महाराज जी, हम आपके सामने खड़े रह के हम आपको जन्मदिवस की शुभकामनाएं दे सकते हैं। ऐसा मौका हमें दोबारा ना मिले, हम हमेशा आपके साथ रहें इस मौके पे। पर पहली बार ऐसा मौका मिला है महाराज जी, हम आपके साथ नहीं हैं। नमस्ते महाराज जी। पुलक सागर जी महाराज की जय। पुलक परम पूज्य चाची पुलक सागर जी महाराज के 50वें अवतरण दिवस पर सशक्त नमन वंदन। मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे आचार्य श्री की स्थिर आयु हो, वो सदा स्वस्थ रहे, उनके सारे सपने साकार हो। हम यही कामना करते हैं कि उनका आशीर्वाद समस्त लोगों में बना रहे व उनका अवतरण दिवस बहुत अच्छे हर्षोल्लास से मनाए। नमस्ते। नमोस्तु गुरुदेव, कभी सोचता है दिल मेरा तूने मुझे क्या क्या दिया है, जिस चीज के मैं लायक नहीं वह भी तूने मुझे दिया है। तेरी करुणा का बखान कैसे करूं मैं गुरुदेव, तूने ही तो मुझे खुशियों का बागान दिया है। आपके स्वर्णिम अवतरण दिवस पर मेरी ओर से नमोस्तु। मैं संगीता रारा सीकर से, आचार्य श्री गुरुदेव के चरणों में मेरा सत सत नमन, सत सत नमन। ऐसा चांद उतरा जमी पर धमतरी गांव के आंगन में, ऐसा चांद उतरा जमी पर धमतरी गांव के आंगन में, छाई खुशियां थी ऐसी अपार गोपी माँ के आंचल की छाँव में, छाई खुशियां थी ऐसी अपार गोपी माँ के आंचल की छाँव में। एक दिन ऐसा अतिशय हुआ गुरु की छवि देखकर, एक दिन ऐसा अतिशय हुआ गुरु की छवि देखकर, आया मन में बैराग का भाव छोड़ घर द्वार को चल दिए, आया मन में वैराग का भाव
छोड़ घर द्वार को चल दिए। गुरु पुष्पधन सागर जी से, गुरु पुष्पधन सागर जी से तूने दीक्षा है ग्रहण करी। गुरु पुष्पधन सागर जी से तूने दीक्षा है ग्रहण करी। पारस से पुलक बन गए धर्म की राह पर चल पड़े। पारस से पुलक बन गए धर्म की राह पर चल पड़े। गुरुदेव मेरे आपको करता हूँ मैं नमन। गुरुदेव मेरे आपको करता हूँ मैं नमन। भक्ति करूँ मैं आपकी मुख पे हो तेरा नाम। गुरुदेव मेरे आपको करता हूँ मैं नमन। भक्ति करूँ मैं आपकी मुख पे हो तेरा नाम। तस्वीर क्या मैं देखूँ बसे हो निगाह में। तस्वीर क्या मैं देखूँ बसे हो निगाह में। दीपक सदा जलेगा गुरु तेरी राह में। दीपक सदा जलेगा गुरु तेरी राह में। रूठ ना गुरुवर न हमसे, रूठ ना गुरुवर न हमसे, हम तुम्हारे दास हैं। रूठ ना गुरुवर न हमसे, हम तुम्हारे दास हैं। दूर रह के भी हमारी भावना तो पास है। दूर रह के भी हमारी भावना तो पास है। नमोस्तु गुरुदेव। श्री पुष्पधर सागर महाराज की जय। गुरुवर आचार्य श्री पुलक सागर महाराज की जय। पुलक पंच का नाम आज संपूर्ण भारतवर्ष गौरव से लिया जाता है। ये गुरुदेव पुलक सागर महाराज की अनुकंपा है। गुरुदेव की करूँ मैं भक्ति हमेशा, गुरुदेव की करूँ मैं भक्ति हमेशा। इतनी शक्ति मुझे देना, इतनी शक्ति मुझे देना। चाहत नहीं कुछ पाने की, चाहत नहीं कुछ पाने की, बस आरजू है आपके चरणों में जगह खाली रखना। बस आरजू है आपके चरणों में एक जगह खाली रखना। गुरुदेव आप हो सबके तारनहार, गुरुदेव आप हो सबके तारनहार। आपको मेरा लाख लाख बार नमन, लाख लाख बार नमन। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज की जय। बड़े हर्ष का विषय है कि भारत गौरव राष्ट्र संत आचार्य पुलक सागर जी महाराज जी का 50वां जन्म जयंती महोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं गत 6 वर्षों से आचार्य श्री के साथ में रहते हुए आचार्य श्री के स्वभाव से परिचित हूँ। क्या वात्सल्य है, वात्सल्य की मूर्ति है। कभी किसी के लिए क्रोध नाम का तो उनके चेहरे पर देखा ही नहीं है। जितना बड़ा नाम है, जितने बड़े संत हैं, उससे भी बड़ा उनका हृदय है। ऐसे हृदय कवि संत को बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। पुष्पगिरि तीर्थ प्रणेता आचार्य पुष्पधन सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य परम पूज्य मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज का दिनांक 9 मई से 11 मई तक त्रिदिवसीय स्वर्णिम अवतरण पुलकोत्सव महोत्सव पूरे विश्व में बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मैं आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए ही निवेदित करता हूँ कि आचार्य भगवान आपके त्याग तप तपस्या और साधना के माध्यम से वर्तमान समय में जो महामारी आई है, यह महामारी आपके त्याग से, आपकी तपस्या से, आपकी साधना से अतिशीघ्र दूर हो। साथ ही आज दिनांक 11 मई का यह ऐतिहासिक दिन जो कि पूरे तपन के साथ इस समय रहता है, उस समय आपका जन्म कहीं ना कहीं एक विशेष तिथि को दर्शाता है। इस ऐतिहासिक दिन पर आपके जन्म को लेकर के कहीं ना कहीं तपन के माध्यम से, आपके तप के माध्यम से यह बीमारी, यह कोरोना अतिशीघ्र इस पूरे विश्व से अतिशीघ्र दूर होगा, हम ऐसी भावना बांटते हैं। मैं जैनेश मेघना झा जी, महामंत्री दिगंबर जैन महासमिति मध्यांचल एवं अन्य जितनी भी धार्मिक सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूं, उन सब की ओर से आपके चरणों में अपनी वंदना निवेदित करता हूं।
मेरे पुष्प दंत जी के पुलक सागर जी स्वीकार करो जय हमारी। 11 मई 70 को जन्मे दमदरी में खुशियाँ चाहिए मेरे पुष्प दंत जी के पुलक सागर जी। परम पूज्य राष्ट्रम मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की 50वीं जन्म जयंती पर महारानी फॉर्म जयपुर से सुभाष भज का शत शत वंदन। नमोस्तु 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 गुरुवर। बोलो परम पूज्य राष्ट्रम मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की जय।